MDI स्कूल यूट्यूब चैनल पर बच्चों आप लोगों का स्वागत है। कल हमने आपको क्लास नाइन्थ की जो गणित का पहला चैप्टर का जो आपको पाठ्यक्रम बताया था उसमें पहली हेडिंग हम पढ़ा रहे थे विभिन्न प्रकार की संख्याएं। ठीक, आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। नोट्स हम बनवाते चल रहे हैं इसलिए आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। शासन की तरफ से भी आदेश है कि अब की आपकी साल भर की पढ़ाई ऑनलाइन ही होगी, नोट्स बनाते चलेगा। तो अगला नंबर आप लोग हेडिंग डाल लीजिए भाज्य संख्याएं। अगली हेडिंग हो जाएगी भाज्य संख्याएं, तो हेडिंग आपकी हो जाएगी भाज्य संख्याएं। अब भाज्य संख्याएं क्या है ध्यान समझिए, वे प्राकृतिक संख्याएं ठीक, वे प्राकृतिक संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो, दो से अधिक गुणनखंड हो तो उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं, तो उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर हुआ? यानी वे प्राकृतिक संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। वह क्लियर, फिर से समझ लीजिए, यानी वे प्राकृतिक संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। गुणनखंड का मतलब यहां बच्चों यह है कि वो संख्या किन किन संख्याओं से कट सकती है। जैसे अब ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने लिख दिया क्या चार, अब चार चार से कटेगा, यानी चार चार से कट जाएगा ना, स्वयं से कटेगा, चार एक से भी कटेगा, यही नहीं चार दो से भी कटेगा। तो चार किससे किससे कट जाएगा, चार चार से कट जाएगा, दो से कट जाएगा, एक से कट जाएगा, यानी ये चार तीन संख्याओं से कट रहा है। तो बताओ दो से अधिक गुणनखंड हुए कि नहीं हुए, हुए ना। आगे हमने लिया छह, छह किससे कट रहा है, छह दो से कट रहा है, छह तीन से कट रहा है, छह छह से कट रहा है और छह एक से भी कट रहा है, तो इसके कितने हो जाएंगे चार। तो बताओ दो से अधिक हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, यानी कहने मतलब है कि वह प्राकृतिक संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो तो उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर हुआ? कहने का मतलब यह है कि वह संख्या किन किन संख्याओं से विभक्त होती है या कट जाती है। क्लियर हुआ? आगे जैसे हमने लिया आठ, आठ दो से भी कटेगा, चार से भी कटेगा, आठ से भी कटेगा और एक से, तो उम्मीद करते हैं कि यह बात क्लियर हुआ होगा कि वह प्राकृतिक संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो तो उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर अगली हेडिंग पे चलते हैं। ठीक, अगला नंबर लिखिए, लिख लीजिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। ये वही अब आपको हम नोट्स बनवाते चल रहे हैं, ये नहीं आप पूरा नोट्स बनाते चलिए। अगला है असहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या। ठीक, चलिए अगला नंबर आ गया, यानी ये सातवां नंबर संभवता होगा, कल हमने पांच बताया था, छठा बताया, सातवां असहभाज्य संख्या। अब असहभाज्य संख्या क्या है, वो देखिए, दो प्राकृतिक संख्याएं जिनका HCF या महत्तम समापवर्तक कह सकते हैं, जिनका
महत्तम समापवर्तक, यानी ऐसा कह सकते हैं सीधा सीधा कि आप कह सकते हैं दो प्राकृतिक संख्याएं जिनका चाहे महत्तम समापवर्तक कह दीजिए, चाहे कह दीजिए एचसीएफ, दो प्राकृतिक संख्याएं जिनका एचसीएफ, एचसीएफ हमने पढ़ाया था ना, एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक, क्या कहेंगे, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, ठीक लिख दिया हिंदी में, महत्तम समापवर्तक। एक दो प्राकृतिक संख्याएं जिनका एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक एक है, कितना है, एक है, क्या कहलाएंगी, जिनका महत्तम समापवर्तक एक है उसे असहभाज्य, असहभाज्य संख्या कहते हैं, असहभाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर हुआ, फिर से ध्यान दीजिए, यानी दो प्राकृतिक संख्याओं, कोई ऐसी दो संख्या लेंगे जिनका एचसीएफ एक हो उसे असहभाज्य संख्या कहते हैं। फिर से क्लियर कीजिए, दो प्राकृतिक संख्याएं जिनका एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक एक हो उसे असहभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे जैसे हमने ले लिया दो और तीन, कितनी प्राकृतिक संख्या लिखा, दो, एक दो है एक तीन। अब ये आप बताओ दो और तीन एक दूसरे से कटेंगे, आप कहेंगे नहीं कटेंगे, दो से ना तो तीन कटेगा ना तो तीन से दो कटेगा। अच्छा ये दोनों कटेंगे किससे, सिर्फ एक से, किससे, एक से, यानी जो हम दो प्राकृतिक संख्याएं लें वो एक दूसरे से ना कटे, सिर्फ एक से कटे, इससे कटे, एक से कटे, क्या कहलाएंगे, असहभाज्य संख्या। क्लियर हुआ, आगे देखो और उदाहरण ले सकते हैं, जहां जितने आप उदाहरण लीजिए, जैसे मैंने ले लिया तीन दस, दोनों बताओ है प्राकृतिक संख्या नहीं है, तीन भी प्राकृतिक संख्या है और दस भी प्राकृतिक संख्या है। हमने आपको उसकी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि प्राकृतिक संख्या क्या है, जो संख्या एक से लेकर कहां तक हो, अनंत तक हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीन और दस हमने लिया है, आप कहेंगे तीन से ना तो दस कटेगा और दस से ना तीन कटेगा, बोलो कटेगा नहीं कटेगा ना, तीन से दस नहीं कटेगा, दस से तीन नहीं कटेगा, किससे कटेगा, एक से तीन भी कटेगा और दस भी। अब ऐसा नहीं कहिएगा कि दस दो से कट जाएगा, इन दोनों संख्याओं में ना तो तीन से दस कटेगा ना दस से तीन कटेगा, तो ये दोनों कटेंगे किससे, एक एक से, यानी कहने का मतलब ये दोनों संख्याएं एक से विभक्त हैं। भाई हम असहभाज्य संख्या उसी को कह सकते हैं जो एक के अलावा और किसी से ना कटे, क्या कहलाएंगी, असहभाज्य संख्या। क्लियर हुआ, दोनों उदाहरण से क्लियर हो, नहीं और उदाहरण लीजिए, चार का मत कितना, पांच, चार से ना तो पांच कटेगा और ना पांच से चार कटेगा। ठीक आगे चलते हैं, अगले चलते हैं, ये था आपको हमने जो पढ़ाया, क्या पहली हेडिंग विभिन्न प्रकार की संख्याएं, आप पहली हेडिंग में हमने आपको सात महत्वपूर्ण हेडिंग बनाए थे, सात महत्वपूर्ण हेडिंग जो थे आपने उसको पढ़ा। अब दूसरे हेडिंग हमने आपको क्या लिखाया था, परिमेय संख्याएं, अब इसको खोल दीजिए, दूसरा नंबर लिखिए परिमेय संख्याएं, ठीक, दूसरी महत्वपूर्ण हेडिंग क्या है, परिमेय संख्या या परिमेय संख्याएं, यह महत्वपूर्ण है, इसमें आपको ध्यान से समझना है, परिमेय संख्या, ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या है जो संख्या अंश बटा हर,
जो संख्या अंश बट्टा हर या पी बट्टा क्यू के रूप में हो। जो संख्या अंश बट्टा हर के रूप में हो, जो संख्या अंश बट्टा हर के रूप में हो, परंतु परंतु हर का मान, परंतु हर का मान शून्य ना हो, परंतु हर का मान शून्य ना हो, यानी q बराबर जीरो ना हो। जो संख्या अंश बट्टा हर के रूप में हो परंतु हर का मान शून्य ना हो, उसे क्या कहेंगे? उसे परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। कहने मतलब बात स्पष्ट ये हुआ कि जो संख्या अंश बट्टा हर के रूप में हो परंतु हर का मान शून्य ना हो, क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। क्लियर हुआ? अब ध्यान दीजिए, जैसे आपसे कोई पूछे शून्य, क्या पूछ ले? शून्य। अब बताओ शून्य क्या परिमेय संख्या है? आप कहेंगे तो अंश बट्टा हर के रूप में नहीं लिखा है। जब ना लिखा हो तो इसके नीचे कितना मान लो? एक मान लो। अब बताओ लिखा है ना, अंश क्या हो? ऊपर वाली जो संख्या होती है अंश, नीचे वाली संख्या क्या होती है? हर। जीरो क्या है? अंश है ना, है अंश की नहीं है? हर एक, यानी अंश बट्टा हर के रूप में है संख्या, तो क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। यानी शून्य एक परिमेय संख्या है, लेकिन एक बट्टा शून्य, क्या लिख दिया गया? एक बट्टा शून्य ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने लिखाया है कि हर का मान शून्य ना। अगर कभी भी हर का मान शून्य नीचे आ जाएगा, हर में आ जाएगा, तो वो संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक, ये क्लियर हुआ ना? यानी वो संख्या फिर परिमेय संख्या नहीं। तो आप कह सकते हैं कि शून्य एक क्या है? परिमेय संख्या। दो बटा पांच क्या है? परिमेय संख्या है। पांच बटा सात ये भी है, छह है परिमेय संख्या, हाँ है, इसके नीचे एक मान सकते हैं। लेकिन कोई पूछे रूट फाइव, रूट फाइव परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए इसको हम खोल देंगे। तो आप उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा, यानी जो संख्या अंश बट्टा हर के रूप में हो परंतु हर का मान शून्य ना हो, उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। क्लियर हुआ? इतना लिख लीजिए या स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बढ़िया नोट्स लिख लीजिए, क्योंकि अब आगे हमें इसी नोट्स पे चलना है। ठीक, नोट्स नंबर एक। नोट्स नंबर एक क्या है? ध्यान दीजिएगा, दो परिमेय संख्या, कितने? दो परिमेय, दो परिमेय संख्याओं, दो परिमेय संख्याओं के बीच में, भाई दो परिमेय संख्याओं होंगी तो उनके बीच में, दो परिमेय यानी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित, इसको अनंत कहते हैं, अपरिमित, इन्फिनाइट या अनंत, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित परिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमित परिमेय संख्याएं, अपरिमित परिमेय संख्याएं होती हैं। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया नोट है ये, यानी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित, क्या? अपरिमित यानी इनफिनाइट। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक, अब अगले नोट्स पे चलते हैं जो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए,
आगे लिखिए, नोट्स लिखिए, नोट्स नंबर दो। नोट्स नंबर दो क्या है वो लिख लीजिए। दो परिमेय संख्याओं, ठीक, यानी दो परिमेय संख्याओं x और y मान लेते हैं, दो परिमेय संख्याओं x और y के बीच हमने माना कि दो परिमेय संख्या क्या है, x और y। तो दो परिमेय संख्याओं x और y के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करना, एक परिमेय संख्या ज्ञात करना, ठीक। चलिए समझते हैं कैसे ज्ञात होगा, ठीक। ये आपको समझना है कि दो परिमेय संख्याएं दी हो, यानी दो परिमेय संख्याएं हो, x और y हमने माना है, दो परिमेय संख्याएं x और y के बीच में एक क्या ज्ञात करना है, परिमेय संख्या। क्लियर। तो दो परिमेय संख्याएं हैं x और y के बीच में, एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है। वैसे हम जानते क्या है कि जब दो परिमेय संख्याएं होती हैं तो उनके बीच अपरिमित रेखाएं या अपरिमित परिमेय संख्याएं होती हैं। अब देखो इसके लिए सूत्र क्या होगा, x प्लस वाई बटा दो। अगर हम से पूछेगा, बहुत ध्यान समझेगा, यही इंपॉर्टेंट है, नोट नंबर दो। नोट नंबर एक तो यही लिखाया था ना कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित संख्याएं होती हैं, लेकिन नोट नंबर दो क्या कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं x और y के बीच में क्या ज्ञात करना है, एक क्या ज्ञात करना है, परिमेय संख्या। तो उसका उसको ज्ञात करने के लिए नियम क्या है कि x प्लस y के मान को जोड़ के क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए। तो हमें हमेशा दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या मिल जाएगी। अब आपको हम एग्जाम्पल समझाते हैं, क्वेश्चन से समझिए, ठीक। जैसे क्वेश्चन हमने लिखा, पहला क्वेश्चन लिख लीजिए, माइनस तीन और आठ के बीच, यानी माइनस तीन और आठ के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक। यानी दो, अब देखो पूरा नोट मिल रहा है आपको, देखो यहां क्या लिखा है कि दो परिमेय संख्याओं x और y के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है। सूत्र क्या है, x प्लस वाई बटा दो। अब रखना क्या, देखो ध्यान से क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, माइनस तीन और आठ, कितनी परिमेय संख्या है, दो ही तो है, माइनस तीन और आठ के बीच में क्या ज्ञात करना है, एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है। अच्छा ऊपर चलो नोट्स पे, वहां देखते हैं क्या लिखा है कि दो परिमेय संख्याओं x और y के बीच में क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है। और यहां क्या ज्ञात करना है, एक परिमेय संख्या, दोनों मिल रहा है। सूत्र क्या है, x प्लस वाई बटा दो। चलिए तो हम लिखेंगे बी नोडे, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में, हम लोग जानते हैं बी नोडे, हम जानते हैं सूत्र हमारा क्या है, x प्लस वाई पूरे बटा कितना, दो। अब ध्यान से देखते चलिएगा, यहां x है तो यहां भी x था, यहां x के स्थान पे कितना, माइनस तीन, तो माइनस तीन प्लस, यहां y है, यहां y के स्थान पे क्या है, आठ, आठ पूरे बटा कितना, दो। अब आप जानते हैं गणित में एक नियम है, जो संख्या सबसे बड़ी होगी, जो संख्या सबसे बड़ी होगी वही का चिन्ह हमेशा लिया जाता है। क्लियर हुआ, ये नहीं कि हम तीन में से आठ हटाएंगे तो पांच बजेगा तो माइनस का पांच लिखेंगे ना, जो सबसे बड़ी संख्या होती है
वही का चिन्ह हमेशा लिखा जाता है। बात क्लियर हुआ? आगे देखो फिर। अब क्या होगा, आठ में से जब मानस तीर जाएगा कितना बचेगा, आठ में से मानस तीर जाएगा कितना बचेगा, आप कहोगे आठ में से मानस तीर जाएगा पांच बचेगा, बचेगा पांच ना। अरे आप देखिए ना यहाँ, आठ में से मानस तीर जाएगा कितना बचेगा, पांच, माइनस का पांच नहीं, क्यों, क्योंकि आठ के सामने क्या लगा हुआ है, प्लस। अब याद रहे जो सबसे बड़ी संख्या होती है वही का चिन्ह हमेशा लगता है। बटे में कितना हो जाएगा, दो, पांच बटा दो ही आपका क्या है, आंसर है। क्या है, आंसर। एक क्वेश्चन फिर से समझो, फिर एक क्वेश्चन देकर और समझाते हैं, ध्यान समझो। माइनस तीन और आठ के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो सूत्र हमारा यही है x प्लस वाई बटा दो। जब हमें दो परिमेय संख्याएं दी हो और उनके बीच क्या ज्ञात करना हो, एक परिमेय संख्या। क्लियर हुआ? तो यहां देखो, माइनस तीन और आठ के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो सूत्र क्या होता है, x प्लस वाई बटा दो। एक्स का मान कितना, माइनस तीन, वाई का मान कितना, आठ बटा दो। आठ में से माइनस तीन जाए कितना आएगा, पांच, पांच बटा दो, यही आपका क्या होगा, आंसर। एक क्वेश्चन और समझाते हैं, अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मान लेते हैं क्वेश्चन में संख्या कोई भी मान लीजिए पांच और सात, पांच और सात के मध्य, पांच और सात के मध्य, मध्य का मतलब बीच, घबराइएगा नहीं, पांच और सात के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक। चलिए देखिए फिर, अब पांच और सात के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है। यहां नोट्स क्या कह रहा है कि दो परिमेय संख्या है एक्स और वाई, के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करना हो तो सूत्र हमेशा क्या लगा हो, एक्स प्लस वाई बटा दो। तो पांच और सात के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात होगा, हम लोग जानते हैं, यानी वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, सूत्र, कि x प्लस वाई बटा हो जाएगा दो। अब यहां मान रखेंगे x का मान कितना, पांच, y का मान कितना, सात, पूरे बटा कितना हो जाएगा, दो। सात पांच कितना होगा, कितना होगा, सात पांच, सात पांच होगा बारह, बटा कितना, दो, दो से बारह को भाग देंगे कितना आएगा, छः। तो आप कहेंगे पांच और सात के मध्य एक परिमेय संख्या क्या है, तो एक परिमेय संख्या क्या है, छः। वैसे भी देख लीजिए, यहां पांच है और यहां सात है, बताओ पांच और सात के बीच में मध्य में कौन संख्या है, छा ही तो आएगी, छा आया कि नहीं आया, यहां सूत्र से आप जान गए। तो जब कभी एक परिमेय संख्या ज्ञात करना हो तो सूत्र हमेशा क्या लिखेगा, एक्स प्लस वाई बटा दो। एक क्वेश्चन होमवर्क में नोट कर लीजिए, फिर आगे अगले दिन से और बढ़ाएंगे। आज हमने आपको जो दो तीन नियम बताए हैं इस पर रिवीजन करिएगा, लिख लीजिए। क्वेश्चन क्वेश्चन है ये, आप लोग लगा कर लेकर आइएगा, माइनस एक और सात के बीच, माइनस एक और सात के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक, यानी माइनस एक और सात के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, चाहे तो और लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर चार, दो और चार के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक। ये दोनों क्वेश्चन लगाइएगा,
ये वीडियो आप बार बार देखकर नोट्स बना लीजिएगा, कल हम आगे इसी के आगे बढ़ाएंगे। ठीक, तो आप बढ़िया तरीके से अपने हित मित्र सहपाठी को बताएं कि रेगुलर क्लास चलती है, पढ़ें, और आप नाइन्थ के और हाई स्कूल के जो भी आपके संपर्क में भी हैं उनको बताइए कि बोर्ड फीस और रजिस्ट्रेशन फीस स्कूल में आकर जमा कर अपना नाम अंकित कराएं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।